जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आप लोगों के सामने, जैसा कि आप थंबनेल पे देख के समझ ही गए होंगे, यह त्रिभुज के बीच में भी आकृति बनी गई है। तो हम जैसे ही रीजनिंग में हम एक सर टाइप पढ़े, आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे रीजनिंग होती है, रीजनिंग में आप देखे होंगे टाइप, इसमें भी इसमें त्रिभुज निकालना होता है, जैसे इसमें कितने त्रिभुज है, उस टाइप का भी कुछ शेप बना हुआ जिसमें संख्या कुछ रखी गई और संख्या को निकालना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तीसरे वाले आकृति में, यानी सी वाली आकृति में आप देख पा रहे हैं कुछ संख्या दी गई है और इस संख्या के अंतर्गत दोस्तों निकालना, बस कुछ नहीं दोस्तों करना, कुछ नहीं करना है। जाहिर सी बात है मैं बैठे बैठे इस सवाल को आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आएगी। हमारे सभी साथियों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए इस सवाल का सोल्यूशन देखने के लिए। अगर सर आपके पास आ रहा है तो आप इसे वीडियो को लगाने से मतलब देखने से पहले आप स्वयं लगाइए। इससे क्या होता है कि हमारा एक अभ्यास बन जाता है। दोस्तों मेरा नंबर है 7311707787। आप इस पर अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना भी कोई क्वेश्चन या कोई अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमारे इन नंबरों पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं और सर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर भेजें, मैं अधिकतर भेजे हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन हालांकि मुझे मेल द्वारा आया था तो मैं सोचा इस क्वेश्चन को भी आप लोगों के साथ में साझा करूँ सर। ठीक है सर, देखा जाए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा सर, पहली बात तो इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 14 है, कुछ देखिए कामन मिले, देखिए 14 14 22 8 28 कुछ कामन मिल रहा है। तो क्या सर है, देखिए सर मैंने क्या किया, पहले तो मैंने कई लॉजिक से अलग अलग किया। देखिए पहले मैंने देखा कि 8 और 6 को जोड़ रहे हैं तो 14 हो जा रहा है, 8 से 14। चलिए भैया फिर यहाँ पे भी 14 मान लीजिए, 8 से 14 14 14, चलो इसको भी मान लीजिए। तो क्या करना है, बाहर की संख्या पहले छोड़िए। देखिए 8 से 14 14 यहाँ पे भी है, देखिए 8 से 14 14 यहाँ पे भी है, और इसको जोड़ेंगे 6 4 10। तो अगर यहाँ पे अगर 10 हम रख देते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा डी देखिए मिल गया। ये तो हमें तुरंत मिल गया, देखते ही उत्तर हो गया। समय हमें बचत करते वक्त हम एक लफ्ज में ही देख पा रहे हैं कि 6 4 8 6 14 14 8 6 14 14 और 6 और 4 जोड़ेंगे 10, ऑप्शन में 10 है। तो चलिए हम कर देते हैं, बट और भी लॉजिक सर हम करके देखते हैं। क्या लॉजिक दोस्तों, अगर मान लीजिए 8 देखिए 14 6 देखिए सर क्या होता है, 14 6 20 हो जाएगा, 20 देखिए यहाँ पे भी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी सर आपको इसके बराबर मिलेगा। ठीक सर, अब देखिए दोस्तों 28 कहाँ से मिला, देखिए 14 6 20 और 8 जोड़ेंगे 28 हो गया, हर तरीके से मिल रहा है। तो हमारा लॉजिक हम तड़ दें वहीं पे पकड़ लिए, बट हम आपको और भी करके दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए 8 और 6 14 हो जाएगा, 8 6 14 14 है यहाँ पर सर, और 8 6 14 14 8 कितना होगा, 14 6 20 2 22 22 दोस्तों है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए सर 6 4 10 10 है, और देखिए अब सर 39 कैसे है, देखिए 29 6 जोड़ेंगे तो 35 35 4 जोड़ देंगे दोस्तों 39 हो जाएगा। अब 29 6 सर 29 6 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 29 6 4 जोड़ देंगे 39 हो जाएगा। तो ये सर है, तो इस दिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए।